वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आप एक चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मैं जो पतंग से बनाता था, जैसे कि मैंने अखबार से पतंग बनाई और नॉर्मल भी काइट पेपर से भी पतंग बनाई, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर एक न्यूज़पेपर से पतंग तो आपने काफ़ी बना दी है, एक पोलोथीन से पतंग बना के दिखाइए। और पोलोथीन से मैंने बनाई हुई है पतंग, लेकिन वो बोल रहे हैं भाई ऐसी पतंग बनाइए जिसमें ना तो किसी टेप की जरूरत पड़े, ना फेविकोल की जरूरत पड़े, ना फेविक्विक की जरूरत पड़े, ना गम की जरूरत पड़े, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह से पतंग बना के दिखाइए, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इनके बिना इनकी हेल्प से कोई पतंग बना सकते हैं? तो जी हाँ गाइज, ये पॉसिबल है बिना हम इनकी हेल्प से। सिर्फ एक धागे का यूज़ करना है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको यूज़ क्या क्या करना है। आपको इस तरह की पन्नी का यूज़ करना है, क्योंकि पन्नी से हम पतंग बना रहे हैं, इस तरह की पन्नी। धागे का यूज़ करना है, और उसके बाद तिल्लों की जरूरत पड़ेगी। अब चाहो तो तिल्ले आप झाड़ू के ले सकते हो, चाहो तो आप पुरानी पतंग के तिल्ले ले सकते हो। देख सकते हैं अब मेरे पास एक फटी हुई पतंग है, तो मैं इसमें से तिल्ले निकाल लेता हूँ आसानी से। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या है, फटी हुई पतंग थी मेरे पास, उसके मैंने तिल्ले आसानी से यहाँ पर निकाल लिए। मैं स्ट्रेट तिल्ला भी निकाल लेता हूँ, और चाहो तो आप झाड़ू के तिल्लों का भी यूज़ कर सकते हो। अब झाड़ू के तिल्लों का यूज़ कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है बहुत बार। अगर नहीं आपको पता लगता कैसे वो होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा भाई झाड़ू के तिल्लों से कैसे हम पतंग के तिल्ले ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, पुरानी पतंग के तिल्ले हमने निकाल लिए। ये अब हमारे पास दोनों तिल्ले आ चुके हैं, लिफाफा आ चुका है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे अपने लिफाफे की। तो कटिंग क्या करनी है, सबसे पहले मैं थोड़ी डोर ले लेता हूँ, इतनी डोर ले लेनी है आपको बस, जिससे आप कन्ने भी पा सको, लिफाफा भी कट कर सको। तो मैं जैसे इतनी सद्दी ले लेता हूँ, ये मैंने सद्दी का यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं, तो इसको साइड में रख देता हूँ, इतनी सद्दी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखो इस तरह से लेना है आपको लिफाफे को, क्या करना है बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है ऐसे जोड़ के। सही है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सही हो गया ऐसे। तो हम क्या करेंगे, अब सद्दी उठाएंगे और इस पोर्शन को पहले, नीचे वाले पोर्शन को काटना है तो नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, देखो दोबारा से इस तरह से है, ये काटना में पहले पोर्शन, इसको ऐसे रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ को प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब इसको दबा लेंगे, जैसे मैं ना पैरों की हेल्प से दबा रहा हूँ इसको, और ऐसे। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ कट चुकी है हमारी। इसी तरह से सेम वे में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले हैं हमारे, इसको भी ऐसे ही काटेंगे, इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप दोनों पैरों के नीचे दबाएंगे और इस तरह से हम इसको कट डाउन कर लेंगे। ये भी कट गया हमारे। अब हमारे पास क्या, पन्नी इस तरह की आ गई है हमारे पास, ये देखो कटने के बाद इस तरह की पन्नी आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसके बीच में अपना धागा डालेंगे एक साइड से, ये हमने इसके बीच में से धागा डाला ऐसे, और इस तरह पैर रखा और ये कट गया। ठीक है गाइस, ये देखिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक इस साइड से कर सकते हो, बेसिक इस साइड से पतंग की शेप ऐसे बना लेनी है हमको। तो मैं क्या किया, यहाँ ऐसे बेंड किया इसको, ऐसे बेंड किया यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये पतंग की शेप बन गई, और बाकी मैंने धागा रखा ऐसे इसको, यानी सद्दी रखी कट करने के लिए, और ये पोर्शन है अब मैं इसको काट दूंगा। तो ये देखिए, अब इसको साइड में रख देता हूँ, और देखिए हमारे पास ये काइट की शेप आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, थोड़ा नीचे से ना गलत कट गया, क्योंकि पैर मेरा ये देखो थोड़ा सा, ये देखो गलत कट गया इधर से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से कटिंग करता हूँ इस साइड से। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत कट गया था, तो मुझे क्या करना, इस तरह से शेप देनी है अपनी। पतंग की शेप मैंने दे दिया, पतंग की शेप को मैं सेफ रखूँगा और इसको करूँगा इस साइड से। पिछली बार मैंने उल्टा कर दिया था वो इधर से, और इस पे पैर रखूँगा दोनों साइड से खस के, और ये अब आई एग्जैक्ट शेप हमारे पास, ये देखो आ गई है हमारे पास शेप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल ये हमारा स्ट्रेट तिल्ला है, यहाँ पर स्ट्रेट तिल्ला आ जाएगा, और ये गुलाई का तिल्ला, गुलाई का तिल्ला आ जाएगा। अब ये तिल्ले लगाने कैसे हैं,
क्योंकि अब टेप की तो जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, मैंने बताया था भाई टेप की गम की इनकी जरूरत के बिना कैसे करने हैं। तो वो देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़े से कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने धागा लिया था अब हम धागे से इसको बांध देंगे। कैसे बांध देंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट साइड इस तरह से रखेंगे, ऊपर की तरफ इसको ऐसे बोड़ेंगे, थोड़े पन्नी इसके ऊपर आ गई और यहाँ पर ला के धागे को चार पांच बार लपेटेंगे और इधर खस के गांठ लगा देंगे। ठीक है गाइस, ये देखो ये ऊपर हमने बांध दिया, सेम वे में हम क्या करेंगे नीचे की तरफ भी बांध देंगे ऐसे ही। तो थोड़ा सा हमने इसको किया, थोड़ा तिल्ला तोड़ लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हा तिल्ला था, और फिर बैंड किया हमने इसको ऐसे, फिर से यहाँ पर लाए, लपेटा चार पांच बार और फिर इसको खस के बांध दिया। ठीक है, यहाँ पर ये तो अब हमारा होगा स्ट्रेट तिल्ला। देखिए अब स्ट्रेट तिल्ला बन चुका है। अब हमें गुलाई का तिल्ला क्या करना है, सेम वे में गुलाई का तिल्ला। तो पहले गुलाई का तिल्ला एग्जैक्ट हम शेप में निकाल लेंगे। तो एग्जैक्ट शेप का मतलब है मेरा एक साइड से रख के, ये देखिए अब ये एग्जैक्ट शेप में गुलाई का तिल्ला आ रहा है यानी इधर से। तो सबसे पहले इधर से मैं थोड़ा तोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको बेंड किया, यहाँ रखा और इसको यहाँ से ला के इधर से हमने चार पांच बार लपेट दिया और फिर हमने इसको यहाँ से बांध दिया। ठीक है गाइस, एक साइड बंध गया। अब दूसरी साइड हमें क्या करना है, इस तरह से हम निकाल ले इसको तिल्ले को। अब याद ध्यान रखना भाई यहाँ से ज़्यादा बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये देखो अब सही है यहाँ पर। फिर हम इधर से तोड़ेंगे इसको, इधर से तोड़ने के बाद यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ पर लाके पांच चार बार लपेटे देके इसको कर देंगे, ऐसे बांध देंगे। ठीक है गाइस, अब ये हमारी हो चुकी है काइट रेडी। अब इसके बीच में हमें पाने हैं कन्ने। तो देखो कितनी बढ़िया काइट हमारी बनी है। ये काइट हमारी बनी है बिना किसी टेप के, गोंद के, फेविकोल के, बिना किसी की हेल्प से। सिर्फ हमने क्या किया, तिल्लों का यूज़ किया, पन्नी का यूज़ किया और धागे का यूज़ किया नॉर्मली। तो गाइस अब हमें कन्ने डालने, कन्ने डालने के लिए हमें दो होल करने होते हैं, एक इधर और एक इससे अपोजिट इस साइड में, डायगनली होते हैं ये। वैसे किधर करो या इधर करो, डायगनली होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, अब नीचे होल करने होते हैं, एक यहाँ करेंगे और एक यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम कन्ने डालेंगे, कन्ने चाहो तो आप इससे डाल सकते हो। अभी ये थोड़ी डोर रह गई हमारे पास, तो मैं थोड़ी डोर निकाल लेता हूँ कन्नों के लिए। थोड़ी मैंने सर्दी निकाल लिया यहाँ पर कन्नों के लिए। ठीक है, और फिर मैं इनको आपस में बांध के यहाँ पर कन्ने डाल देता हूँ। तो ये जो मैंने होल किया हुआ है इसके बीच में से मैं एक साइड से निकाल लूँगा इसको, ये देखो, और ऊपर से इस तिल्ले के ऊपर से ला के दूसरे होल से हमको वापस बैक साइड में ले जाना है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है, और अब हमें यहाँ पर इसको बांध देना है। सेम वे में हमें क्या करना है, नीचे जो हमने वो किया था यहाँ से हमने किया एक साइड से, इधर से ऐसे। अब ये तो हर कोई कर लेता है, बीच का मेन सेंटर फाइंड आउट करने की बात आती है भाई, बीच में से कैसे वो करेंगे। तो इन दोनों के सेंटर की ही मेन प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, जो सेंटर का है उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से दोनों को लेके आना है दोनों साइड से और बीच में। अब आइडिया तो हो जाएगा, अब ये तो सेंटर रहा, ये भी सेंटर नहीं हो सकता इसका, इतना तो आइडिया आपको हो ही जाएगा भाई सेंटर यहाँ कहीं है। तो यहाँ पर ला के थोड़ा ऊपर, थोड़ी डोर नीचे और फिर इस तरह से ला के हम इसको यहाँ पर बांध देंगे। ठीक है, ये अब चाहो तो आप पूंछ जो नीचे लगाते हैं, हम चाहो तो आप लगा सकते हो, जैसे ये हमारे पास, तो हमने इसको कट किया थोड़ा सा और इसी के साथ हम चाहें तो बांध सकते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, ये थोड़ी सी ये। तो गाइस ये थी हमारी पतंग। कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल काइट लवर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स एंड लव यू ऑल।